जय हिंद दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कारपेंटर ग्रुप में। दोस्तों ये जो हमारा साइड है संत विहार का है, तो ये लखनऊ में पड़ता है अपना उतरडिया के पास में। तो इसका एक वीडियो मैंने पहले बना दिया है जिसमें हमारे यहाँ पर जो है ब्लू माइक था, ये वाला माइक यहाँ पर था, इसको पार्ट वन समझ सकते हैं और ये हमारा पार्ट टू है उसका। यहाँ पर हमारा माइक चेंज हुआ है, तो अब हम इस पूरी किचन को दिखाएंगे कि पहले कैसे था और अब बनने के बाद पूरी तरीके से रेडी हो गया है, तो अब कैसा लग रहा है। पिछली वीडियो में कई चीजें बाकी रह गई थी, जैसे हमारा लाइट हो गया, प्रोफाइल लाइट हो गया, कंसील लाइट हो गया और हाइड्रो लाइट, ये सभी चीजें जो है हमारे पिछले किचन की वीडियो में नहीं लगी थी। किचन वही है दोस्तों, ये पार्ट टू इसको समझिए। और ये हमारा वेल कंप्लीट है पूरी तरीके से और ये यूज भी हो रहा है, तो आपको देखने में और समझने में और भी आसानी होगी। इससे आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से किचन जो डिजाइन होते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारे वीडियो को बिना देरी के देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर अपनी लाइट ऑन कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और जो यहाँ पर थोड़ा लाइट का जो अभाव है तो वो भी पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी लाइटें जल चुकी हैं और यहाँ से शुरू करते हैं इस तरह से। सबसे पहले हम ऊपर से आपको दिखाएंगे कि ऊपर की किचन हमने कैसे बनाई है। फर्स्ट में हमारा बॉक्स मिल जाता है, इसको हमने माइक्रोवेव के लिए रखा हुआ है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसकी गहराई जो हमने रखी है 15 इंच रखी है और ये पूरा बॉक्स बना दिया। यहाँ पर हमने होल कर दिया ताकि जो तार आए नीचे से बोर्ड से आ जाए। और दूसरा हमने ऊपर में हाइड्रोलिक दिया हुआ है, ये प्रोलिफ्ट है अपना, हाइड्रोलिक है और इसको जो है हमने लगाया हुआ है। तो इसका वीडियो हमारे चैनल पर पहले से पड़ा हुआ है, जाकर देख लेना। इस तरीके से ये इसको लगाने का तरीका पूरा बताया हुआ है और आप देखें तो 15 केजी का हाइड्रोलिक है। अगर इस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। यहाँ पर आप देखें तो पूरी हमने लॉक बना दी, इसकी जो हमने हाइट रखी है वो 25 इंच रखी है और बॉर्डर अलग से लगभग 27 इंच की हमारी जो किचन है ये जो इसकी हाइट है ये तैयार हुई है। और ये पूरी यहाँ से वहां तक लंबाई हमने पूरी अपनी जो यूज कर ली है तो लगभग 10.5 फीट है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखें तो आपको कार्नर में एक शोकेस मिल जाता है, इस पर अपना कोई भी आइटम रख सकते हैं। तो यहाँ से आपको कांच की शेल्फ मिल जाती है और इस बॉक्स को हमने बनाया 30 इंच का। 30 इंच में हमने जो है दो डोर दिए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टोरेज के लिए आपको प्रॉपर जगह मिल जाती है। और इसकी जो हम लोग डीप रखते हैं ये 12 इंच रखते हैं। तो और दूसरा बॉक्स ये आप देखेंगे तो ये भी 30 इंच का है और इसको हमने क्रॉकरी के लिए बनाया हुआ है। और यहाँ पर एक कांच की शेल्फ लगने वाली है दोस्तों, तो अभी कांच की शेल्फ पे काम चल रहा है तो वो भी इसमें लगेगी तो और भी अच्छा रहेगा। और अंदर हमने आप देखेंगे तो यहाँ पर लाइट दे दी है, दो लाइट हमने अंदर ब्लू लाइट दे दी है ताकि जो भी सामान अंदर रहे वो प्रॉपर दिखाई दे और समझ में आए कि हमको क्या चीज उठानी है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इसमें भी देखेंगे तो स्टोरेज के पर्पज से पूरा बनाया गया है, यहाँ पर स्टोरेज मिल जाएगा पूरा, कोई भी सामान इसमें रखा जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। और ये सभी बॉक्स हमने 30-30 इंच के दिए हैं। और यहाँ पर आते हैं तो सबसे किचन की जो शान होती है तो यही होती है GTPT। तो इसमें आपको जो है प्रोफेशनल अपना बर्तन स्टैंड मिल जाता है, ना आपको जाली का झंझट ना कुछ, यहाँ पर बनवा दो सबसे अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो देखने में काफी खूबसूरत लगता है। अगर ये चीजें आप अपने किचन में बनवाते हैं तो मॉडलर तो रहेगा ही, लेकिन स्मार्ट मॉडलर बन जाएगा तो आपको देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा और अपना यूज भी बहुत अच्छे से होता है। इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने ये लगाया हुआ है अपना GTPT। तो ऊपर में हमारा थाली का है, नीचे हमारा कप वगैरह रखे जाएंगे और नीचे सबसे नीचे जो हमारा पानी है, जो भी पानी ऊपर से टपकेगा उसमें आएगा और ये हमको ऐसे निकाल के इसमें गिरा देना रहता है इस तरीके से। दोस्तों इसका कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर है, जाके देख लेना इसकी फिटिंग कैसे होती है और किस कंपनी का है। दोस्तों थोड़ा बता देता हूँ किस कंपनी का। दोस्तों ये हमारा एशियन पेंट कंपनी का है, तो अगर इसके बारे में आपको जानना है तो हमारे चैनल कारपेंटर ग्रुप पे जाके विजिट कर सकते हैं दोस्तों। और इधर आप देखें तो सारे हमने ड्रॉप लाइट दे दी है जिनको कंसील लाइट बोलते हैं। तो चार ऊपर अंदर दे दी है, चार अंदर दे दी है, दो बॉक्स में और उसमें चार और एक उधर, टोटल हमारे इसमें 4-6-9 लाइटें हैं। और नीचे देखेंगे तो हमने जो लगाई हुई है ये प्रोफाइल लाइट है और यहीं से ऑन ऑफ होती है। इसका कनेक्शन अलग से करेंगे तो और भी बेटर रहेगा। तो इस तरीके से और इससे होगा क्या, इस लाइट से ये बेनिफिट है कि कोई भी सामान यहाँ पर रखा रहेगा तो
अच्छे से दिखेगा और गंदा भी नहीं लगेगा। ऐसे क्या होता है कि अंधेरा लगता है, थोड़ा सा गंदा लगता है, तो ये लाइट लगवाने का बेनिफिट यही है दोस्तों। अब आ जाते हैं नीचे के बॉक्स में अपने। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो ये लगभग हमारा 18-19 इंच का बॉक्स है और इसमें हमने एक वाटर क्लाउड दे दिया है जिसे बॉटल बास्केट कहते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये अलग ही बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो हमारा जैसे कि आप देखेंगे तो साइज में डिफरेंस हो जाता है, इसलिए हमने पूरा पल्ला दे दिया है। सिमेट्री भी हमको दिखाना है, ये भी लेकर चलना है, तो इस तरीके से हमने इसको अंदर दे दिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अपना यहीं से लाइट का ऑन ऑफ का बटन है, और ये आप देखें तो सारे ऐसे लाइट जलाने पर सारे बॉक्स में लाइट ये पहुंच जाती है। और यहाँ पर इस बॉक्स में आपको कटलरी मिल जाती है, कटलरी हमेशा अपना यहाँ पर चूल्हा रहता है वहां पर होना चाहिए, तो ये कटलरी आपको मिल जाती है। कटलरी में आप देखेंगे तो हर तरीके से पार्टीशंस पड़े हुए हैं, जो भी कटलरी जिसमें रखनी है वो अपना बड़े साइज का छोटे साइज का अपने हिसाब से इसमें आप रख सकते हैं। हमने जो है अपना थाली भी दे दिया है, यहाँ पर आप थाली देंगे, थाली बास्केट है, इस बास्केट का साइज अपना 21 इंच है। तो इस तरीके से हमने दो बास्केट चलाई हुई है। एंड कार्नर में आप देखेंगे, कार्नर में हमने जो लगाया हुआ है ये मेगा कब्जा है, कार्नर कब्जा जिसे बोलते हैं, ये ऐसा बेनिफिट, ये लगाने का बेनिफिट यही है कि अपने से पल्ला खुला तो 90 डिग्री खुलता है, इसको लगाने से आपका 165 डिग्री तक आपका पल्ला जो है खुल जाएगा और कोई भी सामान इसमें रखने में दिक्कत नहीं होगी। और ये अंदर तक हमने इसकी जगह ले ली है, यहाँ पर सिलेंडर रखा हुआ है। और इस बॉक्स में आप देखेंगे तो स्टोरेज के पर्पज से सभी चीजें हैं इसमें, आप देखेंगे तो स्टोरेज के लिए अपना प्रॉपर जगह मिल गई है। और इससे जो डीप हम लोगों ने रखी है 21 इंच रखी हुई है, और ये साइज में अपना 2.5 फीट है, 30 इंच है। और फिर आपको एक बॉक्स मिल जाता है बास्केट वाला, ये कप सॉसर वाला बास्केट है, इसमें अपना सॉसर रखे जाएंगे, इसमें कप प्लेट वगैरह रखे जाएंगे, तो अपने हिसाब से लोग यूज करते हैं, जिनको जो अच्छा लगता है वो रखते हैं। तो इस तरीके से और नीचे एक बास्केट हमने मल्टीपर्पज रखी, बड़े बर्तन अपना जैसे कुकर वगैरह है सभी चीजें रखी हुई है, इसमें बताने की जरूरत नहीं, तो बड़े आइटम इसमें रखे जा सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे स्टोरेज के लिए हमने बड़े साइज के अपने ड्रम वगैरह रखने के लिए बना दिए हैं, जिसमें अपना बड़े साइज के ड्रम रखते हैं, आटे दाल चावल के डिब्बे वगैरह रखते हैं। तो ये किचन में कुछ चीजें बहुत ही जरूरी होती हैं, तो ये चीजें आपको भी समझना है कि कहाँ पर क्या करवाना है। एंड लास्ट में आपको सिंक का एरिया मिल जाता है, सिंक का एरिया में कुछ बात करना चाहेंगे, सिंक कभी भी बनाए तो अपना फ्रेमिंग पर बनाए, और फिर सिंक में ज्यादा झंझट ना पाले कि ये भी लगवा ले वो भी लगवा ले, सिंक हमेशा ओपन ही रहना चाहिए, क्योंकि सिंक में गंदगी बहुत ज्यादा होती है, आए दिन कुछ ना कुछ इसमें खराब होता रहता है, 1-2 साल बाद एकदम कब्जे वगैरह खराब होते हैं। इसलिए आपको जो है सिंक में थोड़ा सा सफाई रखनी है, और जो है बड़े साइज का छोड़ना है, छोटा साइज नहीं छोड़ना है, और हमेशा फ्रेम पर बनानी है, नहीं सिंक बहुत ही जल्दी सड़ती है। इस तरीके से आप अपने किचन को बनाएंगे, थोड़ी थोड़ी सावधानी रखेंगे तो आपका किचन जो है लंबा चलेगा। तो इस तरीके से, और इन सभी में जो है हैंडल के लिए हमने जो है प्रोफाइल अपना यूज करी है, जो इजी टू यूज है, बहुत अच्छा है प्रोफाइल लगाने में, ऊपर भी हमने प्रोफाइल दी है और नीचे भी प्रोफाइल हैंडल का यूज किया हुआ है। और ये प्रोफाइल हैंडल लगाने का बेनिफिट ये रहता है कि जैसे कि अपना किचन को स्मार्ट तरीके से बनवाना है तो प्रोफाइल हैंडल का यूज करें, और जैसे कि ये वाला हैंडल रहता है कभी साइड से ऐसे चले तो ये लग भी सकता है अपना 2 इंच, तो थोड़ा सा जो है दिक्कत होती है, और ये लगाने से अपना यही लगता है कि किचन आपका जो है बहुत अच्छा बना हुआ है और जगह भी नहीं ले रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और लाइट वगैरह तो हम बता ही दिए हैं, और ये अंदर लाइट लगवाने का बेनिफिट ये है कि कोई भी सामान आप रखेंगे तो प्रॉपर आपको दिखेगा और अच्छा लगेगा, जिससे आपको आपका बॉक्स गंदा भी होता है ना तो इस लाइट के जरिए से आपको नजर आएगा और आप अच्छे से उसको साफ कर पाएंगे, तो ये बेनिफिट रहता है दोस्तों। कभी भी किचन बनाए तो ये सब चीजों का ध्यान रखें दोस्तों। तो दोस्तों इतनी जानकारी हमने इस वीडियो में दी है, डिटेलिंग के साथ पूरा एक वीडियो मैंने फर्स्ट पार्ट में बनाया, तो वो भी जाकर देख लेना, जो चीजें आपको समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हमारे किचन का डिजाइन जो है वो भी आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा लेना, और भी हमारी वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा और आप हमारी वीडियो को बिना देरी के देख पाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।